शैलेश तिवारी जी, आप धर्म को बहुत व्याख्या करते रहते हैं, जो कुछ हुआ है और आजकल जो कुछ चल रहा है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं, खुश हैं? जय श्री राम। विजय जी, जो कुछ भी चल रहा है यह दुर्भाग्यपूर्ण है जी। पूरी दुनिया जानती है कि जो कुछ भी बातें होती हैं सब तथ्य पर होता है और साक्ष्य पर होता है, लिखित साक्ष्य पर होता है जी। हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है यह लाखों वर्ष पुराना है। मनु शत्रुपा से भी पहले भगवान शिव का उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति माँ दुर्गा की शक्ति से होती है जी। प्रकाश ऊर्जा ये सब संचालन और कहिए कि जितने गैलेक्सी है, तारामंडल है, पृथ्वी जैसे अनंत चीज है। आज भारतवर्ष दुनिया के सामने तीसरा चौथा स्थान वाला देश है, लेकिन पृथ्वी की कोई हैसियत नहीं है सूरज के सामने, और सूरज की कोई हैसियत नहीं है गैलेक्सी के सामने, और गैलेक्सी की कोई हैसियत नहीं है और ब्रह्मांड के सामने, ब्लैक होल के सामने, और उन सबको संचालन भगवान शिव करते हैं जी। और हमारा वैदिक परंपरा लाखों वर्ष पुरानी परंपरा है। बाकी जितने भी धर्म आए हैं सभी धर्मों का आयु है, सभी धर्मों की बारे में आपको सबको पता है जी। अच्छा, ये एक चीज समझना चाहता हूँ मैं इसमें कि जो अरशद मदनी साहब ने कहा उसमें एक बात उन्होंने कही है कि ओम है, अल्लाह है, गॉड है, ईश्वर है, सब एक है, जिसको सब लोग धर्म में एक मानते हैं। आप भी कहते हैं कि भाई ब्रह्म एक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा विवाद है क्या? मुझे ये समझाइए, अपने अपने धर्म में एक को मानना, ये सब धर्म के करीब करीब एक ही बात है या कुछ है इसमें कन्फ्यूजन? देखिए, मानवता सबसे बड़ा धर्म है जी। आप मानव जाति को, मानव से मानव का प्रेम करें, यह सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन जहर घोल करके विष फैलाना और लोगों के सर कटवाना यह धर्म नहीं है, यह अविधर्म है। और ईश्वर एक है, अनंत अविनाशी है, लेकिन उसके अलग अलग हमारे